और रांची में भी सुबह से ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी किया है और जिसमें शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के हरमोसत आवास पर भी छापा चल रहा है। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। साथ ही नेक्स्ट ट्रेन के मालिक विनय सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की दबिश है। रामेश्वर उरांव के निजी आवास के पोर्ट्रिको में लगी सभी गाड़ियों की जांच हो रही है और जांच जरूरी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आपको बताएं कि मंत्री रामेश्वर जो हैं वो चुनाव की कारगेट में चलने वाली गाड़ियों की भी उनकी तलाशी ली जा रही है। तो देखिए झारखंड में ईडी ने एक बार फिर से दबिश शुरू कर दी है। सुबह से रांची धनबाद देवघर दुमका गोड्डा सहित राज्य भर में 32 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। और इस बीच सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे और नेक्स्ट ट्रेन के विनय सिंह के यहां भी छापा पड़ा है। मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर भी फोर्स तैनात है। रामेश्वर उरांव के घर के बाहर गहमागहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।